जने करते हैं, ऐसी हम रक्षा करेंगे कि मुझे भी याद करेगी कि हमारा बेटा कैसी रियासत की रक्षा करता है। शिवाय ये सम्मान का बदला मैं जरूर लूंगा, और जब तक ये राज करते हम एक दिन छीन नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। राजा बन गया, अब तुम राजा तो बन गया है, लेकिन मैं राज करने नहीं दूंगा कि जब तक इस राज को हम छिन्न भिन्न नहीं कर दूंगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए सुनाई की मौका बहुत अच्छा है, इसलिए तुम जानते हो कि हमारा बहुत बुरा राज दुश्मन है। जो विजय का जमींदार वो बहुत पुराना दुश्मन है, आज हम दोनों उसी के पास चलते हुए और उस मौके का फायदा उठवाते हैं। चलो हम चलते हैं कि जगह जमींदार सिंह के पास और उससे मिल करते हुए हीरा रखने का पकड़ रहे थे, और राजा के सेना पर अगर सूद मिटवा देते हैं, अगर अमर सिंह मिल गया हर सिंह देखते हो मैं खुद मिटा दूंगा, और राजगद्दी का जो पत्र का मालिक ये जोहर सिंह होगा। क्या करते हो विजय आमरी के जमाने का दुश्मन जसपाल सिंह से दोस्ती करने जा रहा है, दोस्ती करने जा रहा है, और दोस्ती करके अपने घर पे चढ़ाई करवाएगा हाँ। और उस हराम खोर को मिटवाएगा हाँ। सेना पत्र उम्मीद है कि मिटा दे, हमको मुरी ना हाँ। इनके धर के जसपालों के धरी हाँ भैया, और एक बार सुन लो हाँ, सेना पत्र छोड़ो ज्यादा अंडरबंड की है, अगर कौन हमका भेटा गए तो वह का छोड़ो हम खुद इनके गायब है
आधी पानी के खबर में जा रहे सारे दो की खबरों नहीं मिले ऐसा चुपके चुपके और दिए थे समय पिट्टी उछली आई याद है मोटू शिवराई ये बाबू साहब ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजय कांडिया से के क्या समाचार है बाबू साहब आपके विजय कांडिया से के समाचार सब ठीक है भाई ऐसा ही होना चाहिए हमारे रियासत के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए कैसी आती आपकी शिवाई एक बात का मुझे सचमा चौबीसों घंटा रहता है कौन सी बात होगा तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि हीरा का सन वो सम्राट जसवंत सिंह जसवंत सिंह हमारी और उसकी दुश्मनी बहुत पहले से चली आ रही है की बहुत पुरानी दुश्मनी है हाँ शिवाई हमने दो बार चढ़ाई किया कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने रियासत में कर ले। लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है जी। उसकी वजह से हमें जीवन से वापस आना पड़ता है और ये हीरागढ़ की रियासत हमारे नदियों में एक चिंत्य की समान भटकती है हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि किस दिन मुझे मौका मिल जाए कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने विरासत में कर ज्यादा बोलोगे ना क्या नहीं लड़ाई करने के मूड में नहीं है जवान